हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, एग्जाम इसका कहाँ होगा। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक न्यूज आपको देखने को मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज आपको इस चैनल के द्वारा देखने को नहीं मिलेगी। क्या गलतियां नहीं करना है फॉर्म भरने में, कब से स्टार्ट होगा फॉर्म, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही हमारे चैनल पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है। टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, 5:45 वाली जो क्लास होती है ये 6:30 बजे, इसकी टाइमिंग मैं मकर कर दिया हूँ। और ये रीजनिंग की अभी क्लास 1 से 2 ही हुई हैं, जैसे ही इसका फॉर्म आ जाता है उसके बाद रीजनिंग की भी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट एबिलिटी की अभी जो है क्लासेस स्टार्ट हुई हैं केवल। ये क्रैश कोर्स हमारा है 7905632533, व्हाट्सएप नंबर है। क्रैश कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एज लिमिट क्या होती है। काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि एज लिमिट क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए, सिलेबस क्या होता है बीएड का, कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, और ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए बीएड करने के लिए, फॉर्म की फ़ीस क्या होती है, सभी कैटेगरी के बारे में बताऊँगा, एंड बीएड की टोटल फ़ीस कितनी होती है ये भी आपको मैं बताऊँगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी बीएड 2022 के बारे में, ओके। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड या प्रैक्टिस सेट की बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बीएड की बुक है, इसमें आपको चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 3900 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 शॉल पेपर 2017 से 2021 तक के, 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, यह पुस्तक आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इसके विषय सूची देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का यहाँ पे पेपर लगाया गया है। और साथ ही इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की बुक आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही इनकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की एसडी गाइड बुक भी आती है तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा। मैं आपको सभी को बताया था कि इसका फॉर्म क्यों लेट हुआ है, इसका फॉर्म इसलिए नहीं आ रहा था अभी तक क्योंकि 2021 का अभी इसमें मैटर चल रहा था, क्योंकि उसमें 37,000 छात्राओं का एडमिशन नहीं हुआ था तो उनकी काउंसलिंग की जो फीस थी वो रिफंड नहीं हो पाई थी, और अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं उनकी फीस अभी तक वापस नहीं हुई है तो इसके वजह से लेट हो गया फॉर्म। एंड इलेक्शन, सभी को पता है इलेक्शन से सभी जो गवर्नमेंट वर्क थे सबको जो है बंद कर दिया गया था, आचार संहिता लगा था भाई, कोई नया काम हो नहीं रहा था तो इसके वजह से जो है फॉर्म लेट हो गया, ठीक है। 10 मार्च को रिजल्ट आया और इधर आ गया आपका फेस्टिवल त्यौहार होली आ गया, ठीक है, तो होली से इसका फॉर्म रुक गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्म आएगा कब। देखिए मैं आपको पहले भी बताया था कि 20 मार्च के बाद आपका जो है फॉर्म देखने को मिल सकता है, इसी मार्च में आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। बस अभी लेट इस बात का हो रहा है कि अभी ये जो है कंफर्म नहीं हो पाया कि इस बार का 2022 का एंट्रेंस एग्जाम जो है कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, बस ये क्लियर हो जाए तुरंत यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर देगी, बस बहुत ही जल्द इसका जो है मीटिंग होगा और तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम है कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसका एग्जाम करवाएगी, तो तुरंत वो अपना जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर बीएड के बारे में भी आपको बताऊंगा, ओके। तो इसका एग्जाम जैसे मार्च में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है तो इसका एग्जाम आखिर कब होगा, तो कम से कम 4 महीने तो आपको समय मिलेंगे ही। आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया,
तो जुलाई अगस्त, या तो जुलाई लास्ट में या तो अगस्त स्टार्टिंग में आपका फिर एग्ज़ाम होगा। ओके, अगर अभी फॉर्म आ जाता है जब तक मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आपका लेट जाएगा। ओके, ये आपका जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका फिर एग्ज़ाम होगा। ओके, आयु सीमा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि इतनी एज मांगी जाती है। मैं आपको बता दूँ, एज इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि 15+ आपका एज होना चाहिए। ठीक है, 50 साल में तो आप बीएड करेंगे नहीं ना, तो 15+ आपका होना चाहिए। भाई 15 से तो नीचे आप लोग होंगे नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन कोई भी कर रहा होगा तो कम से कम 20 से 21 साल का तो होगा ही होगा, तो आप लोग एलिजिबल हैं बीएड के लिए। ठीक है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी 19 साल में एडमिशन लिए थे। तो 15+ आपका एज होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी 21 नहीं है, क्या मैं बीएड कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 15+ आपका है तो आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, योग्यता, इसमें योग्यता इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, यूजी, और जैसे अगर आपका इस बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है तब भी आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर है, एग्जाम नहीं हुए, तब भी आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्लीट है, कंप्लीट ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। यह जनरल ओबीसी के लिए है, 50% से अगर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर उसके बाद या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% हो। एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है, 50 से नीचे है तब भी आप लोग बीएड कर सकते हैं। ओके, तो योग्यता यही है। जो लोग जैसे यूजी से करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम से, तो उनका जो है 2 साल का बीएड होगा। और जो लोग जैसे पीजी से करना चाहते हैं, तो अभी ये पीजी वाला यानी कि 1 ईयर और 4 ईयर वाला क्लियर नहीं होगा कि इस बार से होगा कि नहीं होगा, ये तो यूनिवर्सिटी ही बताएगी। ठीक है, पीजी उन लोगों के लिए है जो लोग जैसे, सॉरी, 1 ईयर का बीएड उन लोगों के लिए है जो लोग पीजी किए हैं, एमए एमएससी एमकॉम वगैरह किए हैं, तो उनका जो है 1 साल का बीएड होगा। और जो 4 ईयर का मैटर चल रहा है, ये हर जगह अभी नहीं होगा। ठीक है, हर जगह अभी नहीं होगा, हालांकि अभी राजस्थान में चल रहा है 4 ईयर का बीएड चल रहा है। तो देखिए, अभी कुछ मतलब चुनिंदी यूनिवर्सिटियों में ही ये इसको जो है लागू किया जाएगा, हर जगह नहीं होगा। तो 4 ईयर बीएड उनके लिए होगा जो इंटर पास हैं, इंटर के बाद जैसे करना चाहते हैं, तो उनका जो है इसमें ग्रेजुएशन का और बीएड का दोनों का जो है डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है मैं आपको बता दूं, 150+ अगर आपका आता है, 150+ अगर आपका आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 250-260 के अंदर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं उनको 238-239 में भी मिला है, कुछ लोग ऐसे हैं 270 पे भी नहीं मिला है। तो वो आप लोगों की गलतियां होती हैं, काउंसलिंग कैसे करवाते हैं कैसे नहीं करवाते हैं, और कॉलेज के ऊपर भी होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर ज़्यादा कम रैंक वाले बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है, तो रैंक के हिसाब से जो है गड़बड़ हो जाता है सब। तो लक भी काम करेगा आपका, अगर आप 250+ लाते हैं तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आपकी फ़ीस बच जाएगी। जिनका यूजी में 50% नहीं है तो वो पीजी के बेस से कर सकते हैं। फॉर्म फीस मैं आपको बता दूं, एससी एसटी के लिए 750 रुपये फीस इसमें रखी गई है, और जनरल ओबीसी के लिए इसमें 1500 रुपये फीस रखी गई है। ओके, ये इसकी फॉर्म की फ़ीस है। और टोटल फीस मैं आपको बता दूं, पहले मैं गवर्नमेंट की फ़ीस बताता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस, हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, किसी कॉलेज की 5,000, किसी कॉलेज की 4,000, किसी कॉलेज की 10,000, तो ऐसी फ़ीस होती है दोनों साल की। ठीक है, 4,000-5,000-5,000। और प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो फिक्स होती है, 51,250 फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है, 30,000 जो है सेकेंड ईयर की फ़ीस होती है, ये फिक्स है प्राइवेट की। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप लोग बीएड करेंगे आपकी फ़ीस लगेगी इतने ही। हाँ, काफ़ी सारे कमेंट आया करते हैं कि हम क्या बिना फॉर्म भरे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, इसका जवाब होगा नहीं। आप लोग बिना फॉर्म, जैसे फॉर्म भरें, एग्ज़ाम नहीं दिए, तब भी आप लोग एडमिशन नहीं दे सकते हैं। एग्ज़ाम इसमें देना मस्ट है, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन वो बाद में होता है, तो ऐसे आप लोग ले सकते हैं। तो बीएड की टोटल फ़ीस के बारे में भी आपको बता दिया हूँ, और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दिया हूँ कि अपना आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि जैसे आज से फॉर्म स्टार्ट होता है तो कम से कम 5-6 महीने का अगर आपका पुराना है तब भी चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, बाकी आपका हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट वाली या तो फोटोकॉपी हो तो उससे भी आपका फॉर्म भर जाएगा। कुछ भी इसमें खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, बस वही फ़ोटो, सिग्नेचर, नॉर्मल आधार कार्ड हो गया आपका, यही चीज़ें सब लगती हैं, बेसिक चीज़ें लगती हैं जो कि आपके पास अवेलेबल रहेंगी। बस यही है आपको मैं बोल रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना आप लोग बनवा लीजिएगा। जैसे अगर आपको छूट वगैरह लेना है, EWS है, तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जैसे आप लोग विकलांग हैं या स्पोर्ट कोटा से राज्य स्तरीय खेल खेले हैं, उसमें अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसे आपको भारांग भी इसमें मिलेगा। क्या गलतियाँ नहीं करना है, गलती आपको फॉर्म भरने में
बहुत सावधानी बरतनी है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जब इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ के पे आपके जो हैं गलतियाँ होती हैं। अक्सर लोग गलतियाँ ये करते हैं, जैसे आप लोग जैसे हैं, आप लोग जैसे साइंस से हैं, तो कैफ़े वाले क्या करते हैं, गलती में भाई आर्ट भर देते हैं, फिर इससे आपको नुकसान होगा। कैफ़े वाले तो फॉर्म भर दिए, ये गलती नहीं करना है। जो आपकी स्ट्रीम है वही स्ट्रीम आपको भरना है, कायदे से चेक करना है, क्योंकि नहीं आप साइंस के बदले आर्ट भर देंगे तो आर्ट का ही क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करना होगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो नोटिफिकेशन इसका जो है मार्च लास्ट में इसका देखने को मिल सकता है। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, थैंक यू सो मच। कल क्लास नहीं होगी, होली है, एंजॉय करें, सभी को हैप्पी होली।